हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक है। आज जैसे मैंने बैनर में ऑलरेडी लिखा है, वैल्यू ऑफ पेशेंस। वैल्यू ऑफ पेशेंस जब तक किसी को समझ में नहीं आएगा, तब तक वो पा नहीं लेगा। कोई भी इंसान एक पेशेंस का जो वैल्यू है, उनको तभी समझ में आएगा जब वो पा लेगा। इंसान के अंदर यही होना चाहिए कि वो जो पेशेंस है उसके पास, उसका वैल्यू उसको पता रहना चाहिए। तो मैं आज एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। जैसे एक राजा और एक फार्मर के बीच में एक कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं कहानी बोलता जाऊँ, वैसे आप इसका एक इमेजिनेशन करते जाइएगा, तभी आपको ये कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। भले ही छोटी सी कहानी है, लेकिन मीनिंगफुल है। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है कि ये कहानी सुनने के बाद आप प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए, और उनके लाइफ में ये कहानी काफ़ी टर्निंग पॉइंट भी हो सकती है। तो ये मैं कहानी ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कहानी सिर्फ एक रिटर्न कहानी है जो एंशियंट टाइम के ये कहानी लिखी गई थी, और इस कहानी को लेके मैं आपके सामने प्रस्ताव कर रहा हूँ। एक गांव में एक छोटा सा फार्मर था। काफ़ी लो बजट में जीने वाले लोग फार्मर्स रहते हैं, जो जैसे अपने जो ये फार्मर्स लोग रहते हैं, काफ़ी कंजेस्टेड लाइफ्स उनकी रहती है। उनको ये पता नहीं रहता है कि आज की शाम की रोटी क्या रहेगी। ऐसे सिचुएशंस में एक फार्मर था, और छोटे से गांव में उनका घर था और छोटा सा खेती था। उस खेती के अंदर उसने एक ग्रेप्स का पेड़ लगाया हुआ था। काफ़ी ग्रेप्स का पेड़ लगाए हुए थे, और उस ग्रेप्स को वो जैसे फर्टिलाइजर्स रहता है, पानी, उसका क्लीनिंग करना, पेस्टिसाइड्स देना, वो सब कर रहा था। और नॉर्मली कैसा रहता है कि ग्रेप्स का पेड़ जो रहता है वो समझो कि 6 महीना 1 साल के अंदर उसका कल्टिवेशंस रहता है, और फार्मर्स को भी उसका बेनिफिट रहता है और फ्रूट्स मिल जाता है। तभी वो फ्रूट्स विद इन 6 मंथ्स वो फ्रूट्स को एडिबल टाइप का हो जाता है फ्रूट्स। तो इस स्टेज में इस जो फार्मर ने जो प्लांटेशन की थी ग्रेप्स का पेड़, वो था लगभग 30 ईयर्स के बाद ही वो फ्रूट्स देगा। ऐसे पेड़ को लेके वो उसका कल्टीवेशन के लिए वो पूरा तैयारी करके बैठा था। जब उसी रास्ते से जो उस जो गांव का मतलब वो जो सिटी का राजा था, वो जो राजा था उसी रोड से गुजर रहा था जिस रोड पे वो जो फार्मर था उसका खेती था, तो उसी रोड पे गुजर रहा था। तो ये फार्मर काम करते हुए देख के वो राजा आया वो फार्मर के पास आके बोलता है कि भाई क्या कर रहे हो, मैं काफ़ी समय से आपको देख रहा हूँ कि आप काम कर रहे हो, तो आपसे मेरे को लगा कि आपसे मिल के जाऊँ। तो आप कैसे हो, काम कर रहे हो, तो कैसा है आपका कल्टीवेशन, कैसा चल रहा है? जैसे अभी नॉर्मल हालचाल पूछते हैं ना, वैसे हालचाल पूछने लगे फार्मर के साथ। राजा लोग हैं बड़े, काफ़ी रईस ख़ानदान के हैं। तो फार्मर ने किया, सर आ जाइए बैठिए। तो महाराजा को इतना रिस्पेक्ट दे के बैठा दिया, जो छोटी सी झोपड़ी थी घर के सामने तो वहाँ पे बैठा दिया, और बैठ के बात करने लगे। तो राजा के मन में ये आया, आपके खेती में क्या क्या आप कल्टिवेशंस करते हो, क्या क्या डालते हो, क्या क्या ये डालते हो, वो सब बात बात में निकल के आ गया। और राजा ने पूछा, ये वाला जो आपने ग्रेप्स का पेड़ डाला हुआ है, वो कितने साल में आपको फल देता है, कितने साल में आपको फल मिलता है ग्रेप्स का? तो फार्मर ने बोला, 30 साल। क्या 30 साल? 30 साल? राजा एकदम शॉक हो गया। शॉक होकर बोलता है कि 30 साल? 30 साल में कौन फल लेता है? 30 साल में तो आपको फिर खाने के लिए पैसे कैसे? जैसे राजा शॉक हो गया, ये ऐसा फार्मर तो मैंने पहली बार देखा। 30 साल तक वेट कर रहा है एक ग्रेप्स का फल लेने के लिए, 30 साल तक उसका खाएगा क्या और करेगा क्या? ऐसा फार्मर एकदम कंजेस्टेड लाइफ में जी रहा था। और राजा ने बोला कि राजा राजा का एक फरमाइश थी। राजा ने बोला, आप कृपया करके मुझे एक मेरा एक तमन्ना है वो पूरी कर दीजिए। तो जब राजा बोलता है तो प्रजा को तो मानना ही पड़ता है। जो फार्मर ने बोला, हाँ प्लीज बताइए बताइए आपका क्या फरमाइश है, तो वो फरमाइश पूरी करने के लिए जो प्रजा था वो रेडी हो गया। इन द सेंस फार्मर था वो रेडी हो गया। राजा ने बोला, कृपया करके मुझे इसका जो फल है, 30 साल के बाद अगर मैं जिंदा रहूंगा तो आप मुझे लाके ये फल दे दीजिएगा। 30 साल इन द सेंस एग्जैक्टली 30 साल नहीं हुआ रहेगा, समझो कि 5 साल के बाद 30 साल होने वाला था। तो 30 साल, 5 साल के बाद मुझे ये फल लाके मुझे दे दीजिए, अगर अगर हम लोग दोनों जिंदा रहे तो।
तो आफ्टर 5 साल के बाद ये तो फार्मर तो बड़ा खुश हुआ कि यार मेरे को इतना बड़ा राजा ने ऐसे बोला कि मेरे को उनको फल देना है। तो जो फार्मर था वो तो एक्साइटेड था। 5 साल के बाद जब फल दिया, फल लेके जाके राजा के सामने प्रस्ताव कर दिया, दे दिया। जब कौन आया कौन आया, सब बोलने लगे, राजा के महल में आने लगे तो सब लोग बोलने लगे कि कौन आया कौन आया यहाँ पे, इस टाइम पे इतना ये गरीब लोग कैसे आ गए अंदर। तो राजा ने बोला कि हाँ मैंने ही इनको बुलाया था, अंदर भेजो। तो जब अंदर गए ये फार्मर लोग, अंदर गए तो सब लोग देख के, मतलब बहुत सारे किसान आए होते, एक दो किसान नहीं थे, बहुत सारे किसान थे जो राजा के दरबार के सामने खड़े हुए थे। और ये भी किसान गया, जैसे राजा ने बुलाया था 5 साल के बाद आके मेरे को मिलना, तो ये भी गया। जब ये मिलने के लिए गया तो जो उनके जो बंदी लोग रहे थे वो लोग बोलने लगे कि नहीं, अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये लेकिन फिलहाल गया अंदर। जाने के बाद जब राजा बोलता है कि कहाँ से आए हो, तो बोलते कि राजा साहब जब हम लोग मिले थे पहले, 5 साल पहले मिले थे, आपने बोला था कि ये फल लाके दो, ये फल लेके आया हूँ आपके लिए। तो राजा बोलता है कि वाह क्या बात है। तो राजा शॉक हो जाता है कि ये फल है, ये अंगूर का फल है। हाँ अंगूर का ही फल है, इतने मोटे 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 30 साल का फल कैसे रहेंगे, वो काफी मोटे थे फल। तो ये मोटे फल देख के शॉक हो गया राजा भी और खुश भी हो गया। खा के देखा क्या फल था, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अजीब, मतलब बोल सकते हैं कि वो फल खाने के बाद लगा राजा को कि वाह फल खाना चाहिए, तो ऐसा खाना चाहिए, ऐसा फल था। तो फल खा लिया और फल खा के उसके मन में आया कि ये उसका जो सैनिक रहते हैं उनको बोला कि जाओ करोड़ों की जायदाद का पेपर्स लेके आए और डायमंड्स लेके आए, सब लिख के उस जो किसान था वो किसान के सामने किसान को दे दिया, ये आज से ये जो गांव आपका है वो पूरा गांव आपका, और जितना डायमंड्स दिए और बहुत सारे पैसे दिए वो सब उस किसान को दे दिए। और बाद में किसान जब वो सब लेके हैरान हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ में, मैं सिर्फ तो फल दिया लाके। किसान को ये सब नॉर्मल लग रहा था कि 30 साल के बाद फल आएगा, किसान नॉर्मली वो सोच के उसका देखभाल कर रहा था पेड़ का। लेकिन जो राजा था उसका पेशेंस को देखा उसने, पेशेंस को देख के उसको ये सब प्रॉपर्टीज और उसको गोल्ड जेवरात बहुत सारे कुछ दे दिए। ऐसे देख के वो तो जो किसान था वो तो बहुत ही धन्य हो गया, मेरा पेशेंस का फल मिल गया। उनको तो पता ही नहीं था कि पेशेंस रखने से ये सब कुछ मिलता है। तो ये तो हो गया, किसान तो चला गया सब लेके। लेकिन जो बाहर खड़े थे बहुत सारे किसान लोग खड़े थे, वो बहुत ये करने लगे, अरे हम लोग को कैसे नहीं दिया, सिर्फ वो किसान तो सिर्फ 1 लाख के फल दे दिया, हम लोग भी फल लेके आए, हम लोग को भी ये सब प्रॉपर्टीज दो। तो सब हल्ला गुल्ला करने लगे। तो राजा बोलता है कि सबको एक एक करके अंदर भेजो, सबको इकट्ठा करके लाइन करके खड़ा कर दिया, सब लोग को खड़ा करके। राजा बोलता है कि हाँ मैंने दिया है उनको। तो एक उसमें किसान में से एक बोलता है कि हम लोग भी राजा साहब आपको, हम लोग भी फल लेके आए हैं, हम लोग भी आपके लिए एक ग्रेप्स का फल लेके आए, तो ले लो और हम लोग को भी जमीन दे दो। तो बोलता है कि कौन कहा कि मैंने सिर्फ उनको इसके ही ग्रेप्स का, मैंने अंगूर का पैसा दिया है या जायदाद दिया है, या पूरा गांव का इंचार्ज बना दिया है उनको, राजा बना दिया है गांव का, क्यों मैं ये सब देख के नहीं दिया उनको, उनको मैं सिर्फ एंड सिर्फ इसलिए दिया है कि उनका पेशेंस को देख के। 30 साल तक एक इंसान एक पेड़ का देखभाल करता है और उसका पेशेंस का लेवल देखो कैसा है, खाना नहीं खाता है, इतना देखभाल करता है, दिन रात मेहनत करता है, उसको पानी देता है, खाद देता है, क्या कुछ नहीं किया उसने 30 साल तक, और 30 साल के बाद वो फल देता है और वो फल मेरे को लाके दे रहा है, उसको पेशेंस का मैंने पेमेंट किया, उसका पेशेंस को मैंने एक पूरा गाँव उसको राजपाल करने के लिए दिया। हाँ उसको उसका पेशेंस को देख के मैंने, उसका जो बहादुरी थी वो पे 30 साल तक मेहनत करके उस फल को खाने के लिए उसने वेट किया, तो इसके लिए उसको मैंने ये सब किया। आपने आप लोग क्या किया, 6 महीने का फल लेके आए और इतना सब कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो वो सब समझने के बाद जो गांव वाले लोग चौकन्ना हो गए, सब लोग मतलब शॉक हो गए, ऐसे भी हो सकता है। तो इस कहानी से हम लोग ये सीख सकते हैं दोस्तों कि कभी भी जब आप कुछ काम करते हो तो उसको पेशेंसली करो, उसका रिटर्न अभी नहीं मिलेगा, उसका रिटर्न तभी मिलेगा जब उसका टाइम पीरियड हो जाएगा, सब कुछ लिखित है, सिर्फ अपना काम है पेशेंस, कीप पेशेंस।
ऑलवेज। थैंक यू।